हेलो मित्रों, धोरणना विषय हिंदी चैप्टर बीजू न्यायमंत्री जोईए। तभी न्यायमंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। अने त्यारे ज न्यायमंत्री ना संकेत थी एक कर्मचारी छे ते सम्राट अशोक ने सोना की मूर्ति लईने उपस्थित थई छे। न्यायमंत्री ने खड़े होकर कहा, न्यायमंत्री उभा थईने कहे छे, सज्जनों यह सच है कि मैं न्यायमंत्री हूँ। ने शू कहे छे कि तमने खबर छे आ साचू छे, हूँ न्यायमंत्री छू। और यह भी सच है कि अपने कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। और ये पण साचू छे कि अपराधी होय छे तेने दंड मळवो आवश्यक छे, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट है। अने परंतु अपराधी कोई नहीं पण स्वयं पोते सम्राट ज छे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। अने शास्त्रों में छे ते राजा ने ईश्वर में एक रूप ज मानवामां आव्युं छे, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है, एटले तेने ईश्वर ज दंड आपी सके छे। अतो एवं मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। अने हवे हूँ तेने आज्ञा आपूँ छूँ कि सम्राट ने एवी एक चेतावनी थी तेने छोड़ी देवामां आवे और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। अने तेना स्थान पर आ मूर्ति छे तेने फांसी उनी सजा मळे, तेने लटकाववामां आवे, लोगों को शिक्षा मिले। अने लोगो छे तेने पण खबर पड़े, तेने पण शिक्षा मळे। न्यायमंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। अने न्यायमंत्रीनो न्याय सांभळी अने बधा जय जयकार करे छे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी। अने बधा वया जाय छे त्यार पछी ते सम्राट अशोकनी सामे पेली राजमुद्रा राखी दे छे। महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले। तो शू कहे छे, महाराज आ राजमुद्रा छे ते तमे लई लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, मराठी आ बोझ ते उपाड़वामां नहीं आवे। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, अने सम्राट छे ते तेनी सामे जोई अने भाव विभोर थई जाय छे अने कहे छे, आपने मेरी आँख खोल दी, तमे मारी आँख खोली दी थी, आपका साहस प्रशंसनीय है, ने तमारू साहस छे ते प्रसन्नता जेवू छे। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता, ने आ तमारा सिवाय आ बोझ कोई पण उपाड़ी सकशे नहीं। न्यायमंत्री निरुत्तर हो गई। अने न्यायमंत्री छे ते निरुत्तर थई जाय छे। पाठ आपणो अहींया पूरो थाय छे।